जबरदस्त होगा और मैं वादा करता हूं कि वक्त के हिसाब से खत्म करूंगा। तो सब लोग थोड़ा सा लंबा सांस ले लो, और जो जो हरकत कहा है वो आपको करना होगा, ठीक है। तो जहां रिस्पांस देते हैं वहां पर रिस्पांस दीजिएगा। तो पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारिए और उनको कहो गेट रेडी। ओके नाउ मैं चाहता हूं कि इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिएगा। लिखा है कि डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स, हिंदी में नहीं, हिंदी में नहीं लिखा है, हाँ, इस आपका जो दिल है, आपका जो हृदय है उसको सख्त, बोल सकते हैं जोर से, सख्त मत बनाओ। तो लिखा है कि डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स, आपके मन को दिल को सख्त नहीं बनाना है। एक साथ पूछो कब, वाह कितने लोग पूछ रहे, नहीं कितना अच्छा लग रहा है, जोर से पूछो, हाँ ऐसे आया करो, तब जब परमेश्वर आवाज दे, अगर वो कुछ भी कहते हैं आपको सुनना है। ओके नाउ एक प्रश्न और लगे हाथ, पूछ सकता हूं जी, सिस्टर बैठिए। वो प्रश्न अच्छा, ए भाई मैं हटता हूं तो बता दिया कर, तूने ऐसा क्यों सेट किया है, हाँ हाँ बट ऐसा क्यों किया कि मैं यहां नहीं जा सकता वहां नहीं जा सकता, अच्छा ठीक है छोड़ मैं यहीं रहता हूं, इसको पकड़ के रखता हूं, भाई तू भी थोड़ा बताते रहना। प्रश्न ये है जो मैं पूछ रहा था कि लिखा है कि डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स, इसका मतलब है अपने मन को सख्त मत करो। अगर आज परमेश्वर के नाम से, बहुत सोच समझ के जवाब देना, अगर आज परमेश्वर के नाम से मैं आपको कुछ भी कहता हूं, ठीक है, नहीं इसको करने दो पहला कर लो अगर परमेश्वर के नाम से आपको कुछ भी कहने के लिए कहता हूं, जो आप प्रभु से प्यार करते हैं, क्या आप उसको सुनोगे? ओके, गया ऊपर से, वापस कह रहा हूं, ध्यान से सुनो कि अगर आज जिसको आप प्रभु उसको प्यार करते हैं उसके वसीले से आपको कुछ भी कहने को कहता हूं, क्या आप करोगे? पक्का? बाकी लोगों को क्या हो जाता है, आप करोगे या नहीं करोगे? ओके, तो क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हो। अगर यही प्रश्न उस वक्त यहूदियों को कहा जाए, क्योंकि लेखक किसको लिख रहा है, बहुत सोच समझ के समझना और जवाब देना। यहूदी वो थे जो कम से कम 2500-3000 साल से एक ऐसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे थे जिसको तोड़ना छोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी, और अगर कोई छोड़ता या तोड़ता उसका कत्ल हो जाता था। तो ऐसे टाइम पे लेखक लिखता है कि अगर तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर नहीं करना। तो इसका मतलब है आपके लिए आसान है, लेकिन उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनके आगे क्या आता था, एक तो उनका प्यार जो प्रभु के प्रति, प्रभु आपसे प्यार करता हूं, तू जो कहे मैं छोड़ दूं, आपको जगह याद है, आप बोला करो भाई, क्या दिक्कत है, आपको सिर्फ इतना करना होता है, आपको जगह याद है, जिस जिसका गर्दन नहीं हिल रहा पकड़ के ऐसे ऐसे करो उसका, देखो अभी भी ऐसी बैठी है माँ जी, भला कुछ भी हो जाए मैं तो ऐसी बैठूंगी मैं वापस पूछ रहा हूं, जगह याद है? उसको कहा था जब यीशु मसीह ने मेरे को तेरे घर आना है, उसके घर पर चले गए, सब कुछ हो गया, जकई के मुंह से निकल बैठा, जिसका एक लिया है उसको चार गुना लौटा दूंगा। इसको कहते हैं कि अपने मन को उसने सख्त नहीं किया, और जकई किसी से नहीं डरता था, जबकि हाइट कम थी लेकिन फाइट ज्यादा था, बाप रे, वो कहता था मैं किसी से नहीं डरूंगा। लेकिन उन दिनों में ऐसे लोग भी थे, एक लड़का आया था यीशु के पास में, अगर मैं गलत नहीं हूं, मत्ती 19 में कहता है कि मैं सब कुछ बचपन से करता हूं, 10 आ गया बचपन से मानता हूं, मुझ में क्या कमी है? यीशु कहता है कि बेटा 99 ठीक है, लेकिन तेरे में एक कमी है। वो एक कमी को नहीं ठीक कर सका, चला गया। वाह, उस वक्त यीशु के लिए सुनकर उसके पीछे चलना सख्त होता था, सख्त सख्त होता था। लेकिन आजकल क्या है, अरे मैं तो प्रभु से प्यार, तू ये बोल मैं वो करूंगा, ऐसा बोल मैं वैसा करूंगा। लेकिन उन दिनों आसान जोर से नहीं था। तब लिखा है डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स, कैसा लग रहा है अभी तक? आप हिंदू से आते हैं मुझे पता है, मुस्लिम से आते हैं मुझे पता है, सिख पारसी आदिवासी इवन जूश आज भी, कुछ कैथलिक से आते हैं,
माँ को नहीं छोड़ सकता। ऊपर से बाप बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं माँ को नहीं छोड़ सकता, यू अंडरस्टैंड, इसको नहीं छोड़ सकता, उसको नहीं छोड़ सकता। तब जाकर कहता है अगर परमेश्वर का आत्मा तुझे बुला रहा है अपने मन को सख्त नहीं करना। वाओ, दिमाग में और भी कुछ आ रहा है आगे बढ़ने से पहले, बोल सकता हूं? इस पूरी पृथ्वी पे वो कौन था जो मंडरा रहा था? एग्जैक्टली, पवित्र आत्मा। ये सारी सृष्टि बनाई किसने? यीशु ने, लेकिन किसके द्वारा? पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो श्वास फूकी गई, रुआक, वो क्या है? आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। जब हम सब कुछ उसी के हैं और वही आवाज लगा रहा है और उसको कहते हैं ये है ना सब नहीं कर सकता, बोलता है खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, तू मेरा, मर्जी मेरा, मर्जी तेरा, कैसे जी रहा? यस और नो? जबकि हम उसके हैं। तो लिखा है कि डू नॉट हार्डन योर हार्ट। तो इस अध्याय पर सबसे ज्यादा जोर है परमेश्वर की आवाज को सुनना और वो जैसा कहता है आगे बोल दो वैसा करना। क्या बात है, कुछ लोग जवाब देते अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं अध्याय नंबर 3। सो लिखा है कि हे पवित्र भाइयों, मैंने कल कहा था कि जब यहां पे आप पढ़ रहे हैं तो एम्पलीफाइड वर्जन कहता है कि यहां पर सिर्फ भाई नहीं है, यहां पर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। तो जितनी सिस्टर्स हैं अपना हाथ लीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए क्योंकि यहां आप भी हैं। तो अगर पवित्र सिर्फ भाई हैं तो सिस्टर्स भी पवित्र हैं, लेकिन हाथ रख तो नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे, देखो ऐसे बैठे। हाँ नथानियल, ऐसे बैठे, हद है साहब। आइए पढ़ते हैं। लिखा है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित, बहुत ध्यान से सुनना, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। तो आपको किसको ध्यान करना है? ओके, ऐसे ही बता देता हूं। एक यहूदी यहां पे खड़ा है, ये यहूदी उसको बोल रहा है तुझे यीशु पे ध्यान करना है। उसके आगे रखा है मूसा की किताब, उसके आगे रखा है सबत, उसके आगे रखा है खतना, उसके आगे रखा है दशमांश, और उसको बोल रहा है यीशु की तरफ ध्यान करना। अब वो बोल रहा है कि 3-4 हजार साल से ये सिखाया है मेरे परदादा, 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 आगे बोलो परदादा, परदादा, वो सब यही करते हैं। मेरा बाप खल मरा, यही बोल के मरा, इसी को चल, इसी पे चल। लेकिन जब जीसस आता है तो एक शब्द कहता है फॉलो मी। कैसा लग रहा है? तो इस व्यक्ति ने इस यहूदी को कहता है कि जो तूने सुना है, जो तुझे समझ आया है, कहता है कि तू पवित्र हो चुका है और एक बुलाहट का भागी हो गया है, और वो बुलाहट है स्वर्ग की। तो कहता है कि प्रेरित महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, वी एक्सेप्ट हिम, किसको? जीसस को। उस पर ध्यान कर। बाप रे, आज क्या हो रहा है? अगर किसी ने किसी को कहा फोकस कर तो इसका मतलब क्या है? जोर से बोल। इसलिए क्योंकि उसका फोकस नहीं था। क्या बात है, इसको चाय पिला घर पे। अगर कोई कहता है कि ध्यान कर, ध्यान कर, तो इसका मतलब क्या है? उसका ध्यान भटका है। आप नहीं समझ रहे अभी भी। यही वजह है कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, यही वजह है कि 3 साल से हम चिक चिक के गला फाड़ फाड़ के लोगों को सिखा रहे हैं फोकस फोकस, ध्यान कर, ध्यान कर। ये लेखक जिसका नाम अगर पौलुस है वो भी कह रहा है फोकस करो, ध्यान करो, जिसको तुमने एक्सेप्ट किया उस पर फोकस करो। अब आखिरी बार पूछो क्यों? शुक्रिया पूछने के लिए तड़प तड़प के। क्योंकि वहां बहुत थे जो भटका रहे थे, वहां बहुत थे जो भटका रहे थे। आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि जो अपने नियुक्त करने वाले पिता, ब्रैकेट में, विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में विश्वास योग्य था। तो लिखा है कि नियुक्त करने वाले के लिए पिता ने नियुक्त किया, किसको? यीशु को। मूसा कौन था? अपने घर पे विश्वास योग्य, और मूसा विश्वास योग्य था एक्सेप्ट दैट वन मिस्टेक, वो एक गलती के वजह से, जिसको कहा था कि बात करना पत्थर पत्थर से, लकड़ी नहीं मारना, इसने लकड़ी मार दी, राइट निम्मा का। वाह, मूसा विश्वास योग्य था। तो लेखक कह रहा है कि जिसको तुम मानते आ रहे हो 2-3 हजार साल से, वो विश्वास योग्य था, लेकिन जो यहां पे आया है ना वो उससे भी बड़ा है।
किससे? जोर से, मूसा से, मूसा से भी बड़ा है। तो कहता है कि वो विश्वास योग्य है, वो कभी तुमको धोखा नहीं देगा। वाह, एक और आ गया। यीशु कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आगे का बोल दो, जल्दी 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 जल्दी, मैं जा रहा हूँ पिता के पास, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं वापस आऊँगा, तुमको अपने साथ में लेके जाऊँगा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह एक दिन आएगा, और यही तो कह रहा है कि वो विश्वास योग्य है। वाह, और हम किसका वेट कर रहे हैं? उसी का तो वेट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी तक? अब इसको सुनो, क्योंकि यीशु, आगे पढ़ लो, मूसा से उतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया जितना कि घर बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। एक बात पूछे जल्दी से, अगर आपका दिमाग चल रहा है, आपका घर बड़ा है कि आप जिसमें रहते वो आप बड़ा है? क्या ऊपर से, आप जहां रहते हैं वो घर बड़ा है या जिसमें आप रहते आप बड़ा है? शुक्रिया, मतलब आप बड़ा है। कुछ लोग कहते हैं मेरा घर कितना बड़ा है, घर ऊपर से खुद बोलता है तू बड़ा इसलिए मैं बड़ा हूं। नहीं, ऊपर से गया अभी भी। कितने लोग को समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूं? आपका घर बड़ा नहीं होता है, जो उसमें रहता है। आप ही नहीं तो घर किस काम का, बताइए। राइट ब्रदर, पड़ोस वाले को कोनी मारो और बोलो बात समझ में आ रही है? मार मार रीना, जोर से मार। कैसा लग रहा है? मैं वापस कहता हूं कि यीशु मूसा से भी बड़ा है। लिखा है कि जितना घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। तो ये घर कौन है? जोर से। तो जिसने कहा हम, उसको नहीं है इस बात का गम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं रखूंगा अभी। वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। बस बस, शुक्रिया। हाँ, ऐसे ऐसे आते रहिया करो, अच्छा लगता है, तो महसूस होता है कि हम जिंदों के बीच में, नहीं तो कब्रस्तान बाजू में ही है। लिखा है हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ को बनाया वो परमेश्वर है। तो जिसने सब कुछ को बनाया, जिसने आपको बनाया, कौन है वो? वो परमेश्वर है। तो वापस पूछ रहा हूं कि घर बड़ा या घर को बनाने वाला? और घर कौन है? जोर से, आप और हम। तो आपसे बड़ा कौन है? इसलिए तो बोल रहा है इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दे। खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, सब कुछ मेरा, कैसे जी रहा? आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान वाला हीरा। आज किया था उससे बात, मंडे को बताऊंगा उसकी कहानी। सब के सब बोलते हैं पीछे, जैसे ही मेरा फोन जाता है 9:00-11, हीरा कैसे जीरा? मिसेस हीरा, कम से कम वो तो समझदार थी, बोल रही थी मत सुन मत सुन, फंस गया बेचारा। हाँ, अच्छा है हीरा, फंस गया बेचारा। फिर से पूछ रहा हूं, घर बढ़ा या घर का बनाने वाला? तो अपनी मत चलाओ, वो जैसा कहता है आपको वैसा चलना होगा। घोटे ना, इसको पढ़ो। लिखा है मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक की नहीं विश्वास योग्य रहा, मतलब वो था। दूसरा, जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, किसकी? ब्रैकेट में यीशु की। तो मूसा जितने भी साल काम किया, कम से कम 40 साल तो बोल सकते हैं, वो 40 साल किसकी बात करता था, खुद की या यीशु की? यही तो लिखा है। बाप रे, और एक आ गया, क्या हो रहा है आज, बोल सकता हूं? ऐसा सोचिए, ये पूरी पृथ्वी है, आप लोग जो है ना, ये पूरी पृथ्वी है। ओके, अजय साहब जल्दी आ जाओ, आइए। ऐसा सोचिए कि ये पूरी पृथ्वी है और ये है मूसा, आज के तारीख का। ये है मूसा, मूसा मेरी तरह थोड़ा दूर से। नाटक में मैं अपने आप को परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर बना लेता हूं, ठीक है ना? तो पृथ्वी कहां है? ये रही। मूसा कहां है? ये रहा। मैं कहां हूं? उसके बिल्कुल ठीक अपोजिट में, क्योंकि मूसा ने सबका फोकस, क्योंकि मूसा ने उत्पत्ति के पहले ही दिन
अगर सहमत हो तो साथ देना। मूसा ने उत्पत्ति के पहले ही दिन आपकी 5 किताब नहीं लिखी, बल्कि 1600 साल बाद लिखी। अरे बाप रे, ये बात पता थी? तो पृथ्वी बन के 1600 साल हो गई थी, मूसा पहुंचा 1600 साल बाद। आदम पैदा होके बुढ़ा होके मर भी गया, 16 साल बाद ये आया। ये इसको परमेश्वर कह रहा है, देख मूसा, ये है पृथ्वी, मैंने इसको ऐसा बनाया था। मूसा बोल रहा है, हाँ ठीक है, सुन रहा हूँ, अच्छा ठीक है, मैंने पहले आदम को बनाया, जानवर को सबको बनाने के बाद मैंने पहले आदम को बनाया। बोला हाँ लिखता हूँ, फिर उसके बाद उसकी पत्नी बनाया, अच्छा ठीक है लिखता हूँ। तो बात कौन कर रहा है? जल्दी बोला करो, परमेश्वर लिख कौन रहा है? मूसा। सृष्टि किधर है? ये सामने है। मूसा क्या देख रहा है? सिर्फ दो चीज, एक मुझको देख रहा है, दूसरा सृष्टि को देख रहा है। और आपको पता है क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? क्योंकि जितना उसको दिखाया जा रहा है वो उतना ही देख रहा है। लेकिन मेरे पीछे क्या है? मेरे पीछे जो दुनिया है वो कौन कौन है, और मेरे पीछे कौन कौन बात कर रहा है? मेरे पीछे मतलब परमेश्वर के पीछे। ये उतना ही सुनेगा जितना इसको सुनाया गया। अगर एक टाइम पे पुत्र बात कर रहा है तो ये सिर्फ पुत्र को सुनेगा, अगर एक टाइम पे आत्मा बात कर रहा है तो ये उतना ही सुनेगा। और इसकी हालत खराब है। एक साथ पूछो क्यों? जोर से, क्योंकि मूसा खुद कहता है इब्रानियों 12 अध्याय में, जब परमेश्वर बात करता था मैं कांपता था। तो इसकी हिम्मत नहीं हुई कि आप कितने हैं, दो हैं कि तीन हैं कि चार हैं, इसकी हिम्मत नहीं हुई, बोला चुपचाप बोल रहा है लिखते रहो। तो मूसा ने, बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसको मंडे से सिखाऊंगा, मूसा ने उतना ही लिखा जितना उसको समझा। लेकिन जो यहां पे है ना विशाल, ये वो नहीं समझा। तब जाकर एक वचन है, अगर आप पढ़ सको वहां से प्लीज, एक वचन है, व्यवस्था विवरण 29:29, द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 29:29, इसको पढ़िए और आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। वाह, अभी कितने लोग हैं फेसबुक पे? चेक चेक 15 वही 15 जी। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर के यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। ओके, तो गुप्त बातें मूसा को पता था, मतलब आपको पता था? नाटक के हिसाब से माइक में बोलना है। नहीं पता था। एग्जैक्टली, तो मूसा कितना लिखेगा? कमॉन, बात करो। जितना बताया जाएगा, जितना बताया जाएगा। ओके कैंसल, दूसरा एग्जांपल आ रहा है, थोड़ा फनी है, बाहरी तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स। यहां कौन कौन है जो मोदी जी को जानते हैं? इधर माइक चालू कर, माइक चालू कर, तेरा पति गया आज। इसके मुंह से फट से निकला सब, मेरा प्रश्न है कब। माइक चालू कर, चालू किया। यस, मोदी जी के बारे में बता। He is a prime minister. वो प्राइम मिनिस्टर है, हाँ, पूरे इंडिया के रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, ये सबको पता है। आगे का बोल। आगे, आगे क्या? आप समझे मेरा क्वेश्चन क्या था? मैंने पूछा यहाँ कौन कौन है जो मोदी जी को जानते हैं? सब। आप मोदी जी के बारे में, बहुत ध्यान से सुनना, आप मोदी जी के बारे में उतना ही जानते जिसने उसने खुद तय किया कि लोग मुझे जाने। परमेश्वर को हम उतना ही जान पाए जिसने उसने खुद को तय किया कि मैं इतना ही मनुष्य के आगे रखूंगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे पाव किलो के भेजे से लाखों गुना बड़ा है। क्या बात है, कैसा लग रहा है? कभी सोचा था ये एंगल से? मूसा लिख रहा है, बोला परमेश्वर ये अलाना है, फलाना है, ऐसा बनाया वैसा बना। उसका नाम भूल गया हूँ यार मैं, एक विचित्र प्राणी है यूट्यूब पे, सॉरी आपके क्या कहते हैं न्यूज चैनल पे, मतलब अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी का नहीं है। जैसे ही अपना क्या कहते हैं यंत्र तंत्र चांद पे पहुंचा, वो विचित्र प्राणी क्या कहता है पता है? देखो इनकी बाइबल क्या कहती है। आपने देखा होगा चैनल पे आके, छोटा चैनल है, नाम भूल गया मैं उसका, कहता है कि देखो इनकी बाइबल क्या कहती है कि चांद एक लाइट है। चांद क्या है? एक लाइट है। बोला रात के लिए। सूरज क्या है? एक लाइट है। कब के लिए?
दिन के लिए, तो अब तो पृथ्वी से आदमी वहां पहुंच गए तो क्या कोई लाइट पे जा सकता है? अब उस मूर्ख को कौन समझाए, मूर्ख कैंसल महामूर्ख को कौन समझाए कि मूसा को कैसे समझाए? ये वाली पूरी दुनिया नहीं समझा सकते ना, तो मूसा को जितना बताया बेचारा उतना लिखा। अगर यही व्यक्ति को मूसा को एक मिनट के लिए छूट दी जाए, परमेश्वर प्लीज बताओ आप क्या हो, कहाँ हो, कितने हो, वो पीछे क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, आपने स्वर्गदूत को कैसे बनाया, ये जहान कैसे बनाया, मेरे को एक बार जरा जाके देखने गए, तब मूसा को भी समझ में आता अगर ऐसा मौका होता। अब क्योंकि नहीं है तब जाकर लिखा है। वापस पढ़िए अजय साहब उसी वचन को जो आपने अभी पढ़ा। क्या बात है, कैसा लग रहा है अभी तक, बातें सीख रहे हैं जी, पढ़िए। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। तो इसका मतलब है कि जो चीज गुप्त है उसके ऊपर से खुद पर्दा मत हटाओ। जिस दिन परमेश्वर पर्दा हटाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक अच्छी थाली प्रभु के लिए जोर से। बस बस सुनिए ना, वचन से लिखा है, पर मसीह पुत्र की नाई परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर ब्रैकेट में यीशु का घर हम हैं। ये देखो उसका घर कौन है, आप हैं। तो क्या बात है, जब मैंने कल इसको कहा था और जब मैं इसको पढ़ रहा था और जब मैं इसको आपके स्लाइड्स पे डाल रहा था, मैंने बोला वाओ, सब लोग बोलो वाओ। इसका मतलब है कि परमेश्वर की नज़र अपने घर पर है। कैंसल कैंसल, और एक आ गया, क्या हो रहा है पता नहीं। आप जैसी नौकरी से छूटते हैं, आप जैसी ड्यूटी खत्म करते हैं, आप जैसी कहीं से बाहर से आते हैं, आपके दिमाग में पहले क्या आता है, घर कब पहुंचूंगा। एक व्यक्ति को ठीक किया था जिसके अंदर कम से कम 6,000 दुष्टात्मा थे, यीशु ने उसको क्या कहा, अपने घर जा, याद आ गया। तो हर व्यक्ति के दिमाग में एक ही रहता है कि काम से छूटा हूं घर भागो, काम से छूटा हूं घर भागो। कुछ लोग तो घर पे कॉल भी करते हैं, आ रहा हूं, मतलब क्या रॉकेट उड़ाएगा, आ रहा हूं, फिर ऊपर से पूछते क्या बनाया, पूछते कि नहीं पूछते, जिस जिसकी शादी हो गई वही बताओ घर। मेरा क्वेश्चन है, अगर परमेश्वर का घर हम हैं जो कि हैं, तो उसकी नजर उसके घर पर कितनी होगी। सही, वह अपने घर को बाकी दुनिया के जितने भी वाले हैं, ऐसे वाले वैसे वाले, उनसे बेहतर वह अपना घर चलाता है। कैसा लग रहा है, तो जिसके चलते लिखा है कि उसका घर हम हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने अलग से आपके लिए हाईलाइट किया है, लिखा है कि यदि, एक साथ बोल सकते हैं यदि, लिखा है कि यदि हम साहस पर अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। एक साथ बोलो अंत तक। लेकिन अंत तक आपको एक व्यक्ति स्थिर रहने नहीं देगा, उसका नाम, जोर से पहले ठीक से सुनो, आपको अंत तक एक व्यक्ति स्थिर रहने नहीं देगा, वो कौन है, जोर से। अच्छा यहां पे कुछ लोग ऐसे हैं, कहते बोलो तो प्रॉब्लम, ना बोलो तो प्रॉब्लम, तीसरा चुप रहो तो प्रॉब्लम, अच्छा ऐसे रहो तो प्रॉब्लम। वाह, कुछ लोग सोचते होंगे कि फास्टर आ रहे क्या, बोले नहीं आ रहे, बोले वाह मजा आ गया, अजय भाई चलाएंगे आज। अरे बाप रे, वापस पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहने कौन है जो नहीं देगा। जिस जिसने कहा है शैतान मैं आपकी मुलाकात सच में उससे करा दूंगा, वो बेचारा बोलता रहेगा यार मेरा कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं, कोई सर नहीं, मेरे को ही बदनाम करते ये लोग। आपको शॉकिंग न्यूज चाहिए कि आपको अंत तक जो स्थिर नहीं रहने देगा वो आप खुद हो। ओ ओ, सब लोग बोलो ओ ओ, बोला करो। ओके, दूसरी चीज, क्योंकि बुद्धिजीव लोग बैठे रहते हैं ना फेसबुक पे यूट्यूब पे, बोला डैनियल भाई जो बोलता है उसके चर्च मान लेती है। मैं चाहता हूं कि मुझसे सवाल करो कैसे, अभी बोल रहा हूं इसलिए कैसे, जब तक चुपचाप बैठे थे बोले चल रहे तो चल रहे है। आप क्यों सहमत हो रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप खुद आपको भटका दोगे,
वही तो पूछ रहा हूँ, मैंने कहा आपने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूछो कैसे। हाँ देखा, फिर पूछ रहे कैसे। आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो। आपको एक पोस्टर दिखाया था मैंने, डोंट हार्डन योर हार्ट्स। आपका खुद का दिल परमेश्वर के लिए स्थिर नहीं रहेगा, तब जाकर यह वचन आया। पढ़ो जोर से, लिखा है सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। अब बताओ पिंक टी शर्ट साहब, आपको बोल रहा जिसने कहा ना शैतान, अब बताओ यहां शैतान है कि आप हैं? आप हैं। बाप रे, एक बात पूछें, पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया गया था। एक बात पूछें, यस ऐसे कर सकते हैं? हाँ कर सकते, हाँ शुक्रिया। मेरे को तेरे हस्बैंड से एक दिन पूछने का कि फोन में ऐसा आता क्या है, सच बता रहा हूं मैं, जब आता हूं टपाक टपाक टपाक, फिर आता है ठपाक। मेरे को पूछना क्या आता है उनके पास में, मेरे को भी थोड़ा दे। ऊपर से हाँ बोल रही है, बोलते हाँ ठीक है। बाप रे, एक बात पूछे, इस प्लेनेट पे अब बता दोगे, इजी है, इस पृथ्वी पे प्लेनेट पे आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ए भाई शैतान नहीं बोलना, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है ब्रदर? नॉट डेवू, आपके पीछे वाले। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका मन। क्या बात है, राइट सिंधु, मन ही भटकता है ना। तेरे से बेहतर कौन जान सकता है। बाप रे, आइए बैठिए, बिठाइए, आगे भी कुर्सी खाली है, तब तक थोड़ा पी लेता हूं। वाह, इसको 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 ठीक करो, इसको ठीक करो, क्योंकि चार्ज फुल हो गया इसलिए निकाल दिया मैंने। किस किस के पास, नहीं छोड़ो कैंसल, अपने टॉपिक पे आता हूं। यहां पे कितने कन्विंस हो गए कि आपका मन आपका दुश्मन है? ओके कैंसल, हाथ नीचे कर लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कन्विंस आपको क्यों होना है मैं आपको बताता हूं। दिलीप साथ देना, ठीक है ना, यहाँ कुछ ऐसे बैठे हैं इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं किसी के व्यक्तिगत मामले में पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ कौन कौन है जो आपका खुद का मन, मैं खुद को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, आपका खुद का मन हर दिन एक जैसा नहीं रहता? बाप रे, मैंने 24 घंटा ज़्यादा बोल दिया। आपको बताऊँ, आपका मन पल पल में बिगड़ता है, पल पल में। यस और नो? छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, और जितनी जिस जिसकी बाइक हो, बाइक को यहाँ बैठी है, जिस जिसकी बाइक हो यहाँ बैठी है, जिस जिसकी, उनको पूछो जैसे ही शॉपिंग में जाती है कपड़ा खरीदते, इधर एक देखा, हे ले चांगला है, चांगली चांगला जो भी है, उधर जैसे ही सेल्स मैन ने बोला मैडम ये देखो, हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, फिर तीसरा मैडम ये भी, हाँ ये भी अच्छा है, ये भी, ऐसा करते 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 वो जो बेचारा उसका नवरा, अब भी सोचा अब भी खत्म होगा शॉपिंग, इसको ठीक बोला ओके करेंगे, फटाक से शिफ्ट। होता है कि नहीं होता है? और वैसे हम सब के साथ होता है। बाप रे, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। तो लिखा है आपका जो हृदय है वो कठोर हो सकता है, तो जिसके चलते एक व्यक्ति का या एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का या एक बहुत बड़े राष्ट्र का एग्जाम्पल है, और वो है इसराइल। फोटो देख लो, लिखा है कि 40 वर्ष तक बाप दादों ने मुझे झांच कर परखा। कभी कहते पानी नहीं है, कभी कहते मटन नहीं है, कभी कहते ये नहीं है, कभी कहते वो नहीं है, कभी यहां से तो कभी वहां से, फिर कभी हाथ धोगे तो कहते पहले जहां थे वही अच्छे थे। बाप रे, सोच के देखिए परमेश्वर को कितना गुस्सा आता होगा, जो कि आया। तो ये सब के सब, वापस पीछे जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपको शब्द समझाऊं। लिखा है जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर। ओके, किसको कह रहा है? जूश। कौन कह रहा है? जूश। कौन सी स्टोरी है? जूश।
और इसका कनेक्शन आज के साथ कैसा है? आज भी वही हालत है, ये वाला बढ़ने नहीं देता, वो वाला बढ़ने नहीं देता, और समस्याएं कितनी हैं बाहर, बहुत सारी है। Come on, yes or no? और एक आ गया आपके घर पे वो सब कुछ है जिसको कहते हैं टेलीविजन, जिसमें पूरी दुनिया आ जाती है। आपके पास एक छोटा सा डब्बा है जिसको कहते हैं मोबाइल सेलफोन, उसके अंदर भी पूरी दुनिया आ जाती है। एक जगह पे बैठ के आप वहीं से पूरी दुनिया घूम सकते हैं। Come on, yes or no? ऐसे टाइम पे आपका मन करेगा? Come on, speak. प्रभु के लिए आपका मन करेगा? आप प्रार्थना के लिए बैठोगे, मन भटकेगा, भटकेगा? वचन पढ़ने बैठोगे, मन भटकेगा? और जिसके चलते आप कभी पढ़ते हैं फिर कभी नहीं पढ़ते, एक दिन पढ़ते हैं फिर कभी नहीं पढ़ते, और जिसमें आपका मन खींचता है, बोलो, जिसका जिसमें आपका मन खींचता है आपको वो वापस वहीं पे लाके रखता है। एक बार रील्स देखने बैठे, ठपाक 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 ठपाक, सोच नहीं सकते हैं रात को कभी सर्वे करो, रात को लिफ्टमैन, वॉचमैन, ये वाला, वो वाला, यहां तक कि पुलिस आपको मोबाइल पे रील्स देखते हुए मिलेंगे। यस और नो? और यूथ का तो हालत खराब है, दिन भर काम करते भागते यहां से वहां, और फिर रात में अच्छे से सब देखते हुए बैठेंगे। ऐसे व्यक्ति को बोलो प्रार्थना में बैठो, बैठेगा नहीं? बैठेगा। इसलिए परमेश्वर कभी कभी क्या करता है, वायरस जैसी चीज को लाता है और आदमियों को दो दो साल तक बिठा देता है, तब उनको वैल्यू पता चलती है कि बाबा वही सब कुछ है। या कैसा लग रहा है? तो आपका मन बड़ा धोखेबाज है, तो जिसके चलते ये पूरा का पूरा राष्ट्र क्या हो रहा है? और एक आ गया, चलिए ऐसे पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन प्रतिज्ञा के देश में गया? कौन कौन मतलब कितने लोग गए? किसने कहा दो लोग? सही जवाब, सही जवाब, एग्जैक्टली, सिर्फ दो लोग और बाकी क्या हो गए? सही जवाब, क्या बात है, आपके हस्बैंड को पिलाओ भर भर के चाय। आइए सुनते हैं, लिखा है वचनों में, लिखा है कि जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। अब इसको पढ़ो, वचन 10 को, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा इनके मन, जोर से, इनके मन सदा, ऐसा नहीं लिखा है 24 घंटे के बाद, नहीं, लिखा है सदा, लिखा है सदा भटकते रहते हैं, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तो फर्स्ट वर्ड क्या था इनको बुलाकर, या सॉरी, किसी को यहां खड़ा किया था मैंने नाटक में, एक एग्जाम्पल के तौर पे, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, मैंने कहा था कि यहूदी बात कर रहा है, यहूदी से बात कर रहा है और उसको कह रहा ध्यान कर, याद आ गया? एक साथ बोलो ध्यान कर। यहां क्या हो गया? ध्यान इसलिए नहीं किया क्योंकि पहचाना नहीं, अगर पहचान जाता तो ध्यान करता। थोड़ा घर का एग्जाम्पल देते हैं आपको, खास करके नथानियल का। आपको पता है ये लड़का, अगर मैं गलत नहीं हूं, 4 से 5 साल के अंदर इसको एक चीज पता चल गई, अब बाकी सब पूछना है तो पूछो, नहीं तो तू ही पूछ ले, और वो ये थी कि जो मेरा बाप आता है लंबे बाल वाला, वो थोड़ा अलग है। इसको 4-5 साल की उम्र में ही पता चल गई थी, और जब ये घर में किसी की नहीं सुनता, जो कि सुनता है, लेकिन अगर जब नहीं सुनता मस्ती में आके, तो घर के सारे लोग एक ही चीज बोलते हैं, पापा को बोले, पापा को बोले, पापा को बोले। जब ये किसी की नहीं सुनता, मेरा इतना सा काफी होता है इसके लिए, आप नहीं समझे अभी भी, ये काफी होता है इसके लिए, और इसको पता चल जाता है अब तो सुनना पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा। और जब ये काफी नहीं होता है तो फिर मैं आता हूं सामने, तब तो ये और समझ जाता है अब तो पूरा करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम्पल है और उसको प्यार भी इतना करता हूं, उसको खुद को पता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप परमेश्वर को कितना पहचान गए? परमेश्वर को ये तक नहीं करना पड़े इतना पहचान जा, क्या बात, वाह, कैसा लगा? तो वजह क्या है मन भटकने का? पहचाना नहीं। अगर पहचान जाते तो भटकते नहीं,
दिक्कत क्या है पता है? पूरी दुनिया में यही है, रास्ता भटक गया, तेरे को नहीं पता इसलिए भटक गया। गाड़ी चलाना था, सोचा सीधा दिल्ली जाएगी, बोर्ड नहीं देखा, यही तो प्रॉब्लम है, भटक गया। कम ऑन यस सर नो, मैंने सोचा मेरा दोस्त मेरा साथ देगा, तेरे दोस्त को तूने ठीक से नहीं पहचाना, तेरे को भटका दिया। कम ऑन यस सर नो, तो सारा खेल किसका है? पहचानने का। अगर सही से पहचानोगे, डंके की चोट पे बोलता हूं, कभी नहीं भटकोगे। क्या बात है, पड़ोस वाले का कोनी मारो और बोलो समझ में आई। ओके नाउ लिसन दिस, इसको सुनो। लिखा है कि तब, एक साथ पढ़ सकते हैं जोर से, लिखा है कि तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। बाप रे, ये लोग इधर देखो चित्र। लिखा है कि पूरी की पूरी पहली पीढ़ी जंगल में नाश हो गई, और भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो लोग ढेर हो गए, मैं बताऊंगा। तो लिखा है कि 6 लाख में से केवल 2 लोग। एक बात पूछें, जरा साथ दीजिए और थोड़ा सा मजबूत बैठो, ठीक है ना, और सपोर्ट करिए। मेरा क्वेश्चन है, अगर परमेश्वर को गुस्सा आ जाए तो उसके सामने कोई टिक सकता है? अजय साहब माइक चालू करो, आपसे क्वेश्चन करूंगा। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? बिल्कुल। आपका बड़ा बेटा, सॉरी आपका बेटा किधर है? ऑफकोर्स बेटी सामने बैठी है। आपका बेटे से आप प्यार करते हैं? ऑफकोर्स बेटी से भी प्यार करते हैं। तो आपका बेटे से आप बहुत प्यार करते हैं, इसलिए क्योंकि बेटा वो छोटा है, इसलिए उस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ना। आपके छोटे बेटे से प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप उसको साथ में भी लेकर आ गए। साथ में लाए तो लाए, बोलता है कि पप्पा के बगैर खाना तक नहीं खाऊंगा। मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के जवाब देना। तुलसी सुनती है ना, आप जिस बच्चे से इतना प्यार करते हैं, गुस्से में आके उसका मर्डर कर देते हैं आप? नहीं। सी, आप अभी भी नहीं समझे। पोस्टर को देखो, पोस्टर को देखो, इतना प्यार करता है, कहता है बहुत प्यार करता, लेकिन जब गुस्सा आया तो इसको पता है कि मेरा गुस्सा एक लिमिट है, ये कत्ल नहीं करते। और ऐसी सजा तो बिल्कुल नहीं देते कि जंगल में मर जा। आप सोच के देखो, पूरी की पूरी पहली पीढ़ी जंगल में नाश हो गई। मेरा क्वेश्चन है, अब यहां वाले नहीं समझेंगे, लेकिन जो सच है वो तो सच है। क्या परमेश्वर ने यह नहीं कहा था मूसा से कि इनको बाहर निकालो, मैं इनको प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाऊंगा? बोला था कि नहीं बोला था? Come on, speak. और ऐसा ले चलूंगा जैसा उकाब अपने बच्चे को पीठ पे ले जाती है, मुर्गी अपने पंखों तले बच्चों को छिपाती है, आंख की आगे बोल दो पुतली बनाकर रखूंगा, यहां से फिलिस्तीन, वहां से मिधानी, यहां से जानवर, यहां से शत्रु, सबके बीच में से सुरक्षित निकाला, लेकिन ऐसे ही लोगों को जंगल में नाश कर दिया। क्यों? सब लोग इस साथ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों, जवाब मैं दूंगा, सिर्फ पूछो क्यों। लिखा है कि उसका गुस्सा, तब उसने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो ये नीचे का लाइन क्या है? परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचाना। दिलीप, दूसरे शब्दों में परमेश्वर को नहीं पहचाना, तीसरे शब्दों में परमेश्वर के गुस्से को नहीं पहचाना। ये लड़का, आपका लड़का, आपके बच्चे एक लिमिट तक सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, उनको पता है कितना भी हो जाए भाप कत्ल तक तो नहीं करेगा। Come on, speak. आपको शायद नहीं पता है, परमेश्वर ऐसा है कि एक मौके पे आके कहेगा, मत्ती 7:21 नहीं पढ़ना, कहता है मैं तुझे जानता तक नहीं हूं। तो जिसको जानता तक नहीं है उसको कहां पहुंचाएगा? एग्जैक्टली। प्रकाशित वाक्य 14:9, अगर मैं गलत नहीं हूं, पढ़ो प्रकाशित वाक्य 14:9, और जितने सो रहे हैं जोर से हालेलुया। क्या बात है, वंडरफुल, पढ़िए। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे
या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। ओके, तो स्वर्गदूतों के सामने, आगे बोलना है, और मेमने के सामने, मेमना लिखा है, मेमने के सामने, एक साथ बोलो सामने। अभी इसको इंग्लिश में पढ़ो जोर का झटका धीरे से। इसलिए हिंदी में गड़बड़ है। प्रकाशित वाक्य 14:9। जितने फेसबुक पे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। रेवलेशन चैप्टर 14:9 onwards. Then another angel, a third one, followed them, saying with a loud voice, "Whoever worships the beast and his image and receives the mark of the beast on his forehead or on his hand, he too will have to drink of the wine of the wrath of God, mixed undulated into the cup of his anger, and he will be tormented with fire and brimstone, flaming sulfur in the presence of the holy angels." Wait, in the presence? In the presence of the holy angels. And presence of? Holy angels and in the presence of the Lamb Christ. That's it. Presence, आपने क्या पढ़ा? सामने। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि यीशु मसीह दूर खड़ा होगा और उनको नरक में डालेगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है यीशु खुद वहां नरक में खड़ा होकर इनको डालेगा। ओ, आप नहीं समझे अभी भी? यीशु नरक में खड़ा होके उनको डाल, इन द प्रेजेंस ऑफ लैम्प। अभी मैं कहां खड़ा हूं? हॉल के अंदर। तो मेरा प्रेजेंस कहां है अभी? हॉल के अंदर। तो इसका मतलब कोई नहीं कह सकता कि डैनियल राज हॉल में नहीं है जबकि मैं हूं। यीशु नरक में जाके डालेगा। आप समझ रहे हैं? यह है कनेक्शन। डैनियल भाई, क्या आग यीशु को नहीं जलाएगी? कॉमन सेंस। मत्ती 25 जो कि टाइम नहीं है, जानते हो क्या लिखा है? कि जो दाई तरफ वाले भाई, माफ करना, जो लेफ्ट साइड में, ऐसे बोलते हैं, उन लोगों के लिए नरक तैयार किया गया है। तो मेरा क्वेश्चन है, नरक किसने तैयार किया? जोर से, परमेश्वर ने खुद। आग किसने तैयार किया? परमेश्वर ने खुद। शद्रक मेशक अभिधनगो को आग में डाला था, वो चौथा व्यक्ति कौन था? परमेश्वर यीशु खुद। तो यीशु आग में चल सकता है, आग की ताकत नहीं है जलाए। यीशु नरक में जाके फेंक के आ सकता है, नरक की ताकत नहीं है कि यीशु को जलाए। रुको, इतना गुस्सा कि आप उनको नरक में जाके डाल के आ सकते हैं। और यहां क्या लिखा है? आपका गुस्सा इतना है कि उनको जंगल में ढेर कर दिया। तो मैं फिर पूछूंगा लास्ट का लाइन, दिक्कत कहां हो गई? नहीं पहचाना। आप चर्च आते हैं? यस। आप जब चर्च आते हैं ना, तो आपको ये नहीं कहना कि अच्छा ये कैथलिक चर्च है, मैथडिस्ट चर्च है, मेनलाइन चर्च है, अच्छा ये क्रिश्चियन लोगों का चर्च है, ये पादरी है, ये लीडर है, ये आता है ना, ये प्रचारक है। नो, आपको हमको पहचानने से ज्यादा उसको पहचानना है। कैसा लग रहा है? हमसे दारू छूटती नहीं है, अब बताओ। हमसे सिगरेट छूटती नहीं है, अब बताओ। हमसे गुटखा छूटता नहीं है, अब बताओ। हमसे गालियां छूटती नहीं है, अब बताओ। हमसे गदर टू छूटता नहीं है, हमसे गदर टू छूटता नहीं है, अब बताओ। इसका मतलब समझ गए? पिक्चर जाना छूटता नहीं है, थिएटर जाना छूटता नहीं है, सांस भी कभी बहुत ही छूटता नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अगर ऐसी पहचान होगी और आपको पता चलेगा कि उसका गुस्सा इतना है, क्योंकि इसको धोखा किसने दिया? इन सबको, 6 लाख लोगों को धोखा किसने दिया? अभी बताया था, इनके खुद के मन ने। अब आप सोच के देखो, अगर वो 6 लाख भटक सकते हैं, आप भी भटक सकते हैं, राइट शांतिया का? हम सब भटक सकते हैं। मेरे को फिर वापस आ रहा है वो चीज जो मैं कट करना चाह रहा हूं। यहां कौन कौन है जो मुझे जानते हैं? यहां कौन कौन है जिनके पास में मेरा नंबर है? यहां कौन कौन है जिसने मुझे कभी कॉल करके बोला कि डैनियल भाई, आप जो सिखाते हैं उससे मुझे
परमेश्वर की नजदीकी महसूस हुई, मैं सुधर गया हूं, मुझे अच्छा लगता है। ये बोले कि नौबत मेरे अंदर क्यों आ रही है पता है? क्योंकि डंके की चोट पे बोल रहा हूं, और आजकल तो बोलते भी जा रहा हूं कि ऐसी खुराक आपको सोशल प्लेटफॉर्म से मिल जाए जो आपको यहां से मिल रही है। घमंड की बात है? अगर है तो है, क्योंकि जो चीज मैं आपको खिला रहा हूं मुझे उसका घमंड है, और वो इसलिए है क्योंकि ये मेरा जोर से नहीं है, ये उसका है। ओके, शुक्रिया, क्योंकि वक्त को भी ध्यान रखना है। वचन 12 और फिर थोड़ी देर के बाद में समाप्त करेंगे, आपको नहीं बात को। लिखा है कि हे भाइयों, और भाइयों में कौन कौन है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लिखा है कि हे भाइयों, ब्रैकेट में मसीह यहूदी, चौकस रहो। वापस बोलेंगे, चौकस रहो कि तुम में से बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीविते परमेश्वर से दूर हट जाए। आपको शैतान दूर करेगा या आपका मन? आपका मन। अब इसको पढ़ो, वचन 13, वरना जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। उसका क्या कठोर हो जाएगा? मन। हम यहां कितनों को समझाते हैं, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति में रहो, चर्च में जाओ, हाउस चर्च, ये चर्च, वो चर्च, देखते हैं, अरे मेरा कुछ प्रोग्राम है, अरे मैं देखता हूं, ऐसे करते करते उसका क्या हो जाएगा? मन कठोर। यहां बैठे तो रहते हैं, नाराज नहीं होना, यहां बैठे तो रहते हैं, लेकिन मन सी, और इतनी आदत लग गई है, अब तो हम सबको धोखा दे सकते हैं, पड़ोस वाले को भी धोखा दे सकते हैं। मोबाइल पे होता है बाइबल ओपन, लेकिन दिमाग कहीं और, या तो आपके हाथ में बाइबल होती है लेकिन दिमाग कहीं और। बाजू वाले को लगता है कितना भक्ति वाला है, भक्ति छोड़, उसके ऊपर कोई और शक्ति है। यू अंडरस्टैंड? एक झोर का झटका धीरे से ऐसा करो, हाँ दो लो। लिखा है यर्मिया 17:9, लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? आपके दिल को क्या लगा है? रोग। आपके शरीर को रोग लगे, इलाज है। आपको सर दुखे, इलाज है। आपको कफ हो जाए, इलाज है। लेकिन जो दिल का रोग है उसका इलाज, थोड़ा बर्दाश्त करते हैं, जल्दी से बोलते हैं। प्रभु भोज भी आज एक बात बोले, 99.9% जिसको भी तकलीफ है इस आंकड़े से डब्बे में डालो उसको, 99.9% आजकल जो पिक्चर के गाने बनते हैं वो किस पे बनते हैं? ऑफकोर्स दिल पे। और एक शब्द और है, प्यार, प्यार 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 प्यार, लव 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 लव, प्रेम 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 प्रेम, पिक्चर प्रेम, सीरियल्स वो भी प्रेम, कहानियां जो लिखते हैं वो भी प्रेम। आपको पता है बच्चा पैदा होता नहीं है कि थोड़ी देर के बाद में उसको लग जाता है रोग, किसका? कहते प्रेम। एक दिन इसको लेके खड़ा, इसको लेने के लिए गया था स्कूल में, मैं ताज्जुब हो गया, किसका वेट कर रही है, आ रहा है। कैन यू बिलीव दिस? मैं बोला अपना वाला कब आएगा पता नहीं। ये हालत है, यू अंडरस्टैंड? और इसी के चक्कर में, आपको शायद नहीं पता है, धोखा जब खाते हैं ना तो उनके पास एक ही रास्ता होता है, कौन सा? सुसाइड, आत्महत्या। कौन सा रोग है ये? मन का रोग। यस, अब इसको पढ़ो, जरा शब्द को जोर से पढ़ सकते हैं प्लीज, थोड़ा सा टाइम है। लिखा है कि एक दिन ऐसा होगा, एक साथ पूछो क्या? अपनी जवानी के दिनों में सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे, तो कौन सा दिन होगा? एक दिन ऐसा होगा जिसमें तू कहेगा मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। सब लोग ठीक? मेरा क्या नहीं लगता? मेरा मन नहीं लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि संसार की बातें बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगी, बाहर की बातें, बाहर का मनोरंजन बहुत हैवी हो जाएगा। यस और नो? अपने क्या करूं,
ऑफ कोर्स ये जो मैं पूछने जा रहा हूँ, सबके साथ हुआ है। एक बार हाथ उठा के बता दो यहाँ कौन कौन है बच्चों को छोड़कर आपको कभी ना कभी कुत्ते से, आदमी से, औरत से, चीजों से, सृष्टि से, किसी ना किसी से आपको प्यार हुआ है। जी आपको इतना स्वभाव है भाई साहब, मेरे को पूरा हुआ है। हमारे बीच में एक लड़की है, अच्छी थी वो बेचारी, बहुत अच्छी थी, उसका फोकस 24/7 काम पे रहता था, लेकिन जिस दिन एक कुत्ता आ गया उसके पास, उस दिन के बाद से मैं खुद अपनी आंखों से देखा वो शिफ्ट हो गई। और अगर कुत्ता उसके पास में, यहां वहां मत देखो, इधर ही बैठी है। यू अंडरस्टैंड, कुत्ता हो, आदमी हो, जानवर हो, जब प्यार होता है उसके साथ में तो आदमी कैसा हो जाता है। एक साथ बोलो खोया खोया। कमान ये सुनो, आपने ईमानदारी से हाथ उठाया क्योंकि आपको भी पता है, जो यहाँ पे बैठे हैं सबको पता है, और जो चुपचाप बैठे हैं उसको भी पता है, तू आता क्यों है मेरी मीटिंग में, और वो भी ऐसे टाइम पे आता है जब मेरे को ये बात बोलना होता है। शीनू आके बैठा है पीछे, बाप रे। यह सुनो, आदमी हो जाता है खोया खोया। मैं नहीं जा सकता क्योंकि वक्त की कमी है। वचन 14, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं, यदि हम, एक साथ पढ़ना होगा, अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया गया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? उनके वश में उनके शव, उनकी लाशें, लिखा है, जंगल में पड़े रहे। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। सो वे, हम देखते हैं कि वे इसराइली, ब्रैकेट में, अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। राइट, तो ये क्या है? एक साथ बोल दो, गुस्सा। किसका? परमेश्वर का। गुस्सा कब आया? जब नहीं पहचाना। अब अंत में कुछ लोग सोच रहे हैं बाबा खत्म हो रहा है अभी। लेकिन यह अंत तो थोड़ा लंबा है, पहले पढ़ते उसको। एक साथ पढ़िए जोर से, एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। सब लोग ठीक हैं? एक बार हाथ उठाकर ऐसा फट से घुमाते, क्योंकि मेरे को देख देख के बोर हो गए होंगे अलग, है ना? ऐसा कर दो जरा। हाँ ऑफकोर्स ऐसा होता है, हाँ ऐसा कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि सबको लगे कि हम लोग कहीं तो हैं, या पूरा इधर इनके भी तरफ। हाँ क्या बात है, घुमा दे मेरी तरफ। कितने लोग देख रहे हैं? 137, क्या बात है। एक बात पूछें, सब लोग रेडी? जो 40 साल तक 600,000 लोग मरे, उनमें से किसी एक को उठाकर, जो कि नॉट पॉसिबल और होगा भी नहीं, किसी को एक को उठाकर लाके खड़ा करें और उसको बोल, भाई सबको बता, परमेश्वर को हल्के में लेना क्या होता है, उसकी प्रीचिंग कैसे होगी, उसकी प्रीचिंग कैसे होगी? कम ऑन स्पीक। ऐसा प्रीच करेगा? ए कॉफी लाओ यार, बहुत दिन हो गया नहीं पिया। ऐसा बात करेगा? आपको पता है कांपते कांपते बोलेगा, भाई जो गलती हम लोगों ने किया तुम लोग मत करो। हमको लगा कि परमेश्वर, बाकी लोग का देखे थे ना, फिलिस्तीन का, बाकी लोगों का, उनको लगा कि इनका भी ऐसे ही होगा। किसका? मूसा वाला का। लेकिन उनको कहाँ पता था कि ज़मीन फाड़ देता है? उनको कहाँ पता था कि आसमान से आग बरसा के ख़त्म कर देता है? तो उसकी प्रीचिंग ऐसी होगी, वही तो बताने की कोशिश कर रहा। लिखा है कि जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो, एक साथ, अपने मन को कठोर। ये सब कौन सुन रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में? यहूदी। आज कौन सुन रहे हैं? अन्य जाति। तो क्या परमेश्वर बदल गया यहूदी के हिसाब से? बिल्कुल नहीं। लिखा है वो कल आज एक सा है। अगर वो उनको नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। और आपको पढ़वा चुका हूं कि नरक में जाके डाल के आएगा। बाप रे, इतना गुस्सा, बोला इसको मत फेंको, मैं खुद छोड़ के आता हूं।
इन द प्रेजेंस ऑफ लैम्ब. ओके डैनियल भाई, आप बोलना क्या चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूं कि आज तुम उसका शब्द सुनो. तो क्या है उसका शब्द? उसका शब्द है मसीह की शिक्षाएं. उसका शब्द क्या है? मसीह की शिक्षाएं. यही तो लिखा है, वो जब आएगा अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें सब स्मरण कराएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं तुम उनकी तरह जंगल में, तो जिसके पास, पढ़ लीजिए, जो कोई आगे बढ़ जाता है मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं, जो कोई उसमें की शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है. तो सारा खेल किसका है? शिक्षा का. यीशु क्या कहता है? जिसके पास में मेरी टीचिंग है, जिसके पास में मेरी बातें हैं. क्या लेकर है? नहीं पढ़ना मत यूहन्ना 15:7, अगर आपको याद होगा, यदि तुम मुझ में मेरी बातें तुम में, तो उसके बाद सी. तो ज्यादा जोर किस पे? शिक्षा. हम किस पे जोर दे रहे? शिक्षा. शीनू सबको बता, पहला किस पे जोर देते थे? वर्शिप. गवाह यह सुनो, आप लोग सब गवाह हैं इस बात का, गला फाड़ फाड़ के गाते थे यहां से. जब पता चला जिसके पास मसीह की शिक्षा, इसका मतलब ये नहीं कि वर्शिप गलत है. मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, नहीं तो उसका अलग से हाँ हाँ बनाओ, आप तो आ गए हम मैदान में. शिक्षा तो मसीह की शिक्षा. तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से आपको बता दूं कि उस बादल में से ये शब्द निकला था कि ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, एक साथ इसकी सुनो, इसकी सुनो. अर्थात और किसी की मत सुनो, मूसा की मत सुनो, जॉन द बैप्टिस्ट की मत सुनो, किसी और की मत सुनो, ये संस्था वो संस्था मत सुनो. अगर सुनना है तो एक ही की सुनो, और वो है यीशु. क्या बात है. बस सिर्फ 5 मिनट और दीजिए, खत्म कर रहा हूं. लिखा है यहूदीवाद का कोई भी नियम, लॉ, व्यवस्था आपको फॉलो नहीं करना है. इज दैट राइट? तो जितने फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियो देखेंगे, मैं आपको बिल्कुल साफ कह दूं, कि व्यवस्था का कोई नियम आपको नहीं पालना है. जिसको समझ में आ रहा है समझे, जिसको नहीं आ रहा है नमस्ते. गलतियों एक साथ पढ़ेंगे, 5:4 लिखा है कि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो. वाह, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा, लेकिन वक्त को ध्यान देना होगा. वचन 5 कहता है क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं. हम इसकी उसकी नहीं सुनेंगे. तो कौन कौन सी शिक्षाएं हैं पवित्र आत्मा की, कौन कौन सी शिक्षाएं पवित्र आत्मा की नहीं है, इसकी एडिट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं. सबसे पहला टबरनाकल, निवास स्थान के नियम को हम नहीं मानते, और यही वजह है. जूता तो नहीं दिखा सकता, अगर दिख जाए तो अच्छी बात है. ये देखिए जूता. कहते हैं कि आप प्रीचिंग करते हुए जूता कैसे पहनते हैं? ऐसे पहनते हैं. तेरे को क्या तकलीफ है भाई? निवास स्थान को हम नहीं मानते. ये जो जगह है ना, ये मंदिर नहीं है. आप जो यहां बैठे हैं ना, आप मंदिर हैं. सिंपल. हम यहां ना तो दिया जलाते ना दीपक, जिसका नाम है दिया, जिसका नाम है दीपक, उसको रखो अपने पास, लेकिन ना तो दिया जलता है ना दीपक, यू अंडरस्टैंड, ना यहां कैंडल, ना फूलों का माला, ना फिर ठपक ठपक नारियल. यहां जिंदा परमेश्वर रहता है. कुछ नहीं कर सकता. खतना सर्कमसाइज नहीं कराते, और ये सबसे गलत है 5:2 के हिसाब से. दशमांश, सबकी दुकान बंद है, सबकी दुकान पे ताला लगा हुआ है, सबको तकलीफ है. ये जब से आया है 2020 से हमारे को तकलीफ में डाला है. उनको छिड़ मुझसे नहीं है, उनको छिड़ जो मैं टीच करता ना उससे है. बाप रे, एक आदमी तो कुछ ज्यादा ही परेशान है, बोलता है इसका हर चीज अलग अलग है. मेरे पर भी पड़ा है, ये खुद अलग दिखता है, चीजें अलग है, फिर ऊपर से पूछता है ये लाता कहां से है.
मैं चाहता हूँ कि तू एक दिन आ मेरे को मिल, मैं तेरे को बताता हूँ कहाँ से लाता हूँ. यू अंडरस्टैंड. सबत को हम नहीं मनाते. आज कौन सा दिन है? संडे. अगर ये सैटरडे होता तो भी चलता, अगर फ्राइडे होता तो भी चलता, मंगलवार होता तो भी चलता, सोमवार होता तो भी चलता. कैसा लग रहा है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो. दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो. तो दासत्व का जुआ ये सब है. हम वापस क्यों जाएं? जेल से छूट गए हैं, वापस जेल क्यों जाएं? कम ऑन, ये सुन लो. तो ऐसा कुछ हम नहीं करते, ऐसा कुछ हम नहीं ओढ़ते. और जिसको जो ऐसा ओढ़ता है ना, ये शॉल जिसको कहते हैं प्रेयर शॉल, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, कहते हैं कि अगर इसको ओढ़ के प्रार्थना करेंगे तो यहोवा ज्यादा सुनेगा, यहोवा टप करके मारेगा. ये ओढ़ते थे, उसी को मैंने कैंसिल किया. तो वापस क्या ओढ़ रहा है? अगर ओढ़ना है तो यीशु को ओढ़. सी. और लास्ट में ये कहते हैं कि एक विचित्र प्राणी है, मैं कब जाता नाम निकालूं, जिस दिन वो मेरे विरोध में आएगा तो पक्का निकालूंगा उसका नाम. कहता है कि घर के कोने कोने में तेल लगाओ. तू तेल का दुकान शुरू कर. घर के कोने कोने में, तेरे को पता है ना कौन है वो, घर के कोने कोने में तेल लगाओ, आशीष आएगी. हद है साहब. हम निकले, हम इसको कहते हैं आसमान से गिरे. हम मिस्र से बाहर गए. मिस्र से परमेश्वर ने इसराइलियों को बाहर निकाला, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मिस्र से तो बाहर आ गए, अंदर से मिस्र बाहर नहीं आ रहा, अभी भी उधरी फंसे हुए हैं. तो लिखा है कि अभिषेक के नाम पे लोगों को उल्लू ना बनाना. आपको नहीं पता है, इसको कहते हैं मेजूजा. ये क्या करते पता है? कुछ लोगों को पता है ना, आपके घर के बाहर कुछ ऐसा फोटो बीटो होता है, ऐसा करके आप जाते हैं, ऐसा करके आते हैं. इन लोगों ने नया शुरू किया है, ऐसा दरवाजे पे लगाते हैं. आप देखो दो खिल्ला दरवाजे पे लगाते हैं, ऐसा करके जाते हैं, ऐसा करके आते हैं. इसको क्या कहते हैं? रिलीजियस प्रैक्टिस. इसको कहते हैं पवित्र आत्मा के दिन को शौकित करना. देखो क्या लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, और आत्मा को ना बुझाओ. चैप्टर 4 अगले हफ्ते. सब खड़े हो जाए. थैंक यू जीसस. इसको बंद कर दीजिए.